ओके चलो नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ इन मैग्नेटोस्टेटिक्स। ओके तो कूलम्स लॉ जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ पढ़े थे याद है ना, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो वही कूलम्स लॉ हमें मैग्नेटोस्टैटिक्स में पढ़ना है। ओके चलो डिस्कस करते हैं। ये हमारा एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसकी पोल स्ट्रेंथ एम वन है, इसकी पोल स्ट्रेंथ एम वन है, दोनों की सेम ही होगी ना इक्वल, और ये दूसरा है तो उसकी पोल स्ट्रेंथ एम टू है, यहां भी एम टू है। ओके चलो अभी यहां पे साउथ है और यहां पर नॉर्थ है, मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर। ओके सो से अगर हम कूलम्स लॉ की बात करें तो ये एक चार्ज था प्लस क्यू वन, एक चार्ज था प्लस क्यू टू, वॉट एवर प्लस माइनस वॉट एवर। ओके लेकिन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स लगता था, तो वो फोर्स को और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था आर, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस दोनों के बीच के जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स था ना, दोनों चार्ज पार्टिकल होंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, अगेन फोर्स ऑफ रिपल्शन अट्रैक्शन वो वॉट एवर बट फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स की वैल्यू हमने कूलम्स लॉ से पता की थी 1/4π मतलब के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू ये थी 1/4π ε0, तो ये तो हमें पता ही है, नया नहीं कुछ भी नहीं है इसमें। सो एफ इज इक्वल टू 1/4π ε0 क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें पता है। ओके चलो सो अगर इसमें अगर हम बात करें सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू, देखो यहां पर एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम वन जो हमारी स्ट्रेंथ है पोल स्ट्रेंथ वो, और दूसरा जो है एम टू, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जैसे कि वहां पर एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू टू, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे ही यहां पर दोनों मैग्नेट्स की पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये मैग्नेटिक फोर्स, तो एफ इज एम वन एम टू। एंड हमें ये भी पता है जैसे वहां पे कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कूलम लॉ में हमने देखा था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। ओके सेम वे यहां पर भी है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स और से टू मैग्नेट्स और टू पोल्स ऑफ डिफरेंट मैग्नेट्स, ऐसा हम बोलते हैं देन। ओके सो दोनों को अगर हम कंबाइन कर ले तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर देन। वहां पे फिर के लाए थे हम, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के लाए थे, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, सो यहां पर भी हम लाएंगे क्या, वहां पे 1/4π ε0 था, यहां पर है μ0/4π, ये तो हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था जो μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷ थी याद है ना। ओके तो वही चीज है कि μ0 क्या है, μ0 है ये दो मैग्नेट्स के बीच में या तो एयर होगी या तो वैक्यूम होगा या कोई मटेरियल हो मीडियम होगा। ओके लेकिन अगर एयर और वैक्यूम है तो हम बोल देते हैं कि म्यू जीरो की वैल्यू कितनी ले लेना, मतलब म्यू जीरो अपॉन फोर पाई की वैल्यू ले लेना 10⁻⁷। लेकिन कोई पर्टिकुलर मीडियम है तो तुमने सपोज दो मैग्नेट रखे हुए हैं वाटर में रखे हैं या कोई दूसरे मीडियम में रखे हुए हैं, तब वो जो मीडियम है उसकी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। ओके तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी, परमिएबिलिटी देखनी पड़ेगी, परमिएबिलिटी ऑफ ये हम μ0/4π क्या है फ्री स्पेस, वैक्यूम और फ्री स्पेस, लेकिन कोई दूसरा मीडियम हो तो मीडियम की परमिएबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो μ0/4π, मतलब μ0 हम कब लिख सकते हैं, जब हम वैक्यूम और से एयर ले रहे हो तभी हम μ0 लिखेंगे, एक्चुअली तो वो वैक्यूम के लिए ही एयर भी नहीं ले सकते, लेकिन एयर लेंगे तो भी कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि एयर और वैक्यूम, अदरवाइज वैक्यूम ही है वो। लेकिन अगर तुमने कोई दूसरा मीडियम लिया तो μ0 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे, सिर्फ म्यू, μ0 स्टैंडर्ड है और वहां पे क्या आ जाएगा, सिर्फ म्यू आ जाएगा, μ0 नहीं आएगा, तो म्यू वो मटेरियल के वो मीडियम के लिए परमिएबिलिटी की वैल्यू शो करता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमें पता ही चल जाएगा μ0/4π डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वो परमिएबिलिटी जितनी ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा और परमिएबिलिटी जितनी कम उतना फोर्स कम,
सिंपल है. ओके सो एफ इज इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. सिंपल है. नाउ मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट म्यू जीरो अपॉन फोर पाई जो हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था जिसकी वैल्यू है 10^-7 ओके वेबर पर एम्पियर मीटर. डन. और म्यू जीरो क्या है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है और से वैक्यूम. बट अगर हम कोई पर्टिकुलर मीडियम लेंगे तो वहां पर मीडियम की परमेबिलिटी होगी विच वी कैन डिनोट एज अ म्यू नॉट म्यू जीरो क्योंकि म्यू जीरो हमने स्टैंडर्ड रखा हुआ है वैक्यूम के लिए और से एयर के लिए. देयरफॉर हम जो दूसरा मीडियम अगर कोई होगा तो उसके लिए म्यू लिखेंगे लेकिन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. वो जितनी ज्यादा परमिएबिलिटी होगी उतना मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा. सिंपल है. ओके तो यही सिंपल जैसा था हमने पहले जो पढ़ा था बस उतना ही है. हमने जो पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टेटिक के केस में जो कूलम्स लॉ पढ़ा था मैग्नेटोस्टेटिक्स में भी सेम वे कूलम्स लॉ लगता है. तो हमें क्या लगाना है? वो Q1 Q2 की जगह लगाना है M1 M2 R स्क्वायर की जगह तो R स्क्वायर ही है. हाँ K की वैल्यू थी 1/4πε0 यहाँ पर हमारे K की वैल्यू हो जाएगी और कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी म्यू जीरो अपॉन फोर पाई. डन. ओके.